गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए के मिश्रा, पनीरा इंटर कॉलेज, पनीरा बाजार, महाराजगंज, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं इसके पहले आप लोगों को बताया था, चैप्टर टू के अंतर्गत, यानी नोट करें आप, पार्ट यानी लिखेंगे आप क्लास 10 रसायन भाग 2, भाग 2 में क्या हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम आपको बताए थे अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार भी अम्ल की परिभाषा आपको बताया गया था कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में घुल करके क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं या घुल जाते हैं, या हाइड्रोजन आयन देते हैं घुल करके, वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल। और जो हम आपको बताएंगे फिर क्या होता है, ध्यान देंगे, अम्ल होते हैं और अम्ल के प्रकार क्या होता है। प्यारे बच्चों, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। प्यारे बच्चों, जो स्ट्रांग एसिड होता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, HCl जिसे आप कहते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसका सूत्र होता है HNO3, इत्यादि होते हैं जो प्रबल अम्ल की उपाधि दी जाती है। प्यारे बच्चों, ये सब क्या होते हैं कि जब इनका मीडियम एक्वस लेते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, कितने भागों में टूटते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयनों में टूट जाते हैं। प्यारे बच्चों, फिर हम आपको बताए थे दुर्बल अम्ल, यानी दुर्बल अम्ल जिसे कहते हैं वीक एसिड, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, जिसे हम कहते हैं HCN, और HCN का ही दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिल नाइट्राइड। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, CN का अदर नेम जो आपका होता है साइनाइड, या दूसरा नाम से हम पुकार सकते हैं क्या होता है, नाइट्राइड, जब हम इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे तब। लेकिन इसके अलावा और आपके भी होते हैं एस्टिक एसिड जिसे आप कहते हो सिलिके का अम्ल, सिलिके का अम्ल एस्टिक एसिड, जिसका सूत्र क्या होता है CH3COH। प्यारे बच्चों, फिर इसके अलावा अगर हम आपको कहें दुर्बल अम्ल की उपाधि देखें क्या, फार्मिक एसिड HCOOH। प्यारे बच्चों, ये सब क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। हम आपको रिपीट कर रहे हैं जो आपको बता दिया गया था, एक बार पुनः याददाश्त लाने के लिए बताया जा रहा है आपको कि आप उसको रिपीट करें। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके तहत मैंने आपको 3-4 बिंदु बताया था। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक बारे बताना। प्यारे बच्चों, कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इन एसिड, ध्यान दें, केमिकल प्रॉपर्टीज
इन एसी। इन एसी एसिड्स यानी जो होते हैं किसके की अम्ल के, अम्लों के रासायनिक रूप क्या होते हैं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अम्ल जो होता है फर्स्ट इसके सिम्टम्स अगर देखेंगे तो पहला हेडिंग आप देखेंगे यहाँ कि रिएक्शन विथ रिएक्शन इसके साथ करता है धातु, रिएक्शन विथ मेटल पहला हेडिंग आप देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल यानी धातुओं के साथ क्रिया क्या आप देखेंगे धातु के साथ क्रिया ये पहला बिंदु आपका प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि अम्ल जो होता है अम्ल किसके साथ क्रिया करता है धातु के साथ, धातु के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या होगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। एनी मेटल जैसे आपने ले लिया लोहा एज जैसे दे दें आप एग्जाम्पल लोहा, लोहा का सिंबल क्या होता बेटा आयरन या फिर जिंक, जिंक प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा जिंक, पोटेशियम सोडियम ईटीसी ये हो गए इन्हीं ये धातु हैं क्या मेटल्स जैसे लोहा जस्ता पोटेशियम सोडियम ये क्या करेगा रिएक्शन विद मेटल जो अम्ल होंगे मेटल के साथ क्रिया करके क्या करेंगे एच टू गैस क्या करेंगे वह मुक्त करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में आप देंगे इसके रिएक्शन क्या हो जाएंगे रिएक्शन यानी अभिक्रिया देखें इन मेटल्स के साथ ये जो आपके मेटल्स हैं इन मेटल के साथ क्या होगा रिएक्शन देखें जैसे आपका Fe हो गया ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों Fe जो आपका लोहा है अगर सॉलिड ये क्रिया किया ये क्रिया किया सॉलिड हुआ किसके साथ H2SO4 के साथ H2SO4 अब क्रिया इसका मीडियम क्या है एक्वस क्या बनाएगा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों ये अगर देखा जाए तो इसकी क्रिया इसके साथ हो गया संपर्क ये आपका हो गया क्या बनाए गैस के रूप में अर्थात देखें यहां ध्यान देंगे ये जो बनता है क्रिया के रूप में तो क्या बन जाएगा Fe SO4 और प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है मुक्त होती है प्यारे बच्चों। एनी मेटल रिएक्ट्स विद एसिड नाउ गेट्स गैस प्राप्त होता है और इसके अलावा अन्य उत्पाद भी बनते हैं प्यारे बच्चों ये ध्यान रहे। लेकिन H2 का प्राप्त होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड मोस्टली से क्रिया होता है HCl से क्रिया होता है तो प्रायः जो गैस बनती है वह H2 गैस बनती है प्यारे बच्चों। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जो आपका मीडियम होता है मीडियम के साथ देखा जाएगा तो आपका एक्वस और जो गैस बनती है देखें ये जो गैस बनती है अर्थात क्या बन जाएगा ये एक्वस ये आपका गैस ये प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा जो आपका H2 बना ये किस पोजीशन में आपका है ये गैस इसी प्रकार से प्यारे बच्चों और देखा जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स हम करें नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर यही या दूसरा रिएक्शन दिखाते हैं यहाँ तो अगर हम रिएक्शन दिखाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर इसी में R Fe प्लस HCl अभिक्रिया HCl एक्वस अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा Fe Cl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस ये बनता है प्यारे लेकिन बैलेंस देखेंगे बैलेंस करने के लिए 2HCl ये कर तो ये भी दो मेटल्स है एसिड ध्यान दीजिएगा आप चाहो H2SO4 के साथ क्रिया करा दो फिर भी आपका H2 गैस निकलता है
आप चाहो या सिर के साथ करा दो, फिर भी आपका एक यूज बेस्ट निकलता है। माध्यम आपके देखिए बेस्ट ये आपके होते हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप, जैसे जिम के साथ दिखा सकते हो। अगर जिम के साथ दिखाओगे तो क्या बनेगा, ध्यान दें आप, जिम के साथ दिखाओगे यहाँ रिएक्शन, इसके साथ दिखा दो इसके साथ, अगर इसके साथ दिखाओगे यहाँ तो जेडेयन, ध्यान देंगे जेडेयन यस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस। अब भी आप ध्यान देंगे ये आपका बन जाएगा ऐसे एस के साथ, क्या बना आपका मीडियम जेडेयन एसओ फोर, जेडेयन एसओ फोर हेयर एक्वस प्लस एच टू गैस, ये हो गया आपका गैस। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हो, अम्ल के आप रासायनिक गुण पढ़ रहे हो क्या बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों इसका नामांकन कैसे करेंगे आप, नाम पढ़ क्या करेंगे, नाम क्या हो सकता है, हियर व्हेन द जिंक्स रिएक्ट्स एच टू एसओ फोर नाउ गेट प्रोडक्ट्स जेडेयन एसओ फोर प्लस एच टू गैस। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि हम जब दिखाएंगे पोटेशियम के साथ, सोडियम के साथ, रुबिडियम के साथ, तो आपके उसके एक्वस मीडियम के उत्पाद बनेंगे प्लस अन्य गैस के रूप में प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों ये आपका फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल कैसे उसके साथ क्रिया करता है, क्या बनाता है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ। अब फिर चलते हैं आपको सेकेंड, सेकेंड बताते हैं रिएक्शन विद, सेकेंड पॉइंट नोट करें आप, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। आप क्या देखिए किसके साथ क्रिया करेगा, वह रिएक्शन धातु कार्बोनेट्स या धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कैसे करेगा, ध्यान देंगे आप कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया क्या करेगा, ध्यान देंगे धातु कार्बोनेट कार्बोनेट एवं, अब देखिए धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया क्रिया ये क्या बनाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी ये धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनाता उत्पाद और कौन सी गैस निकलती है। प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, तो व्हेन किसी के कार्बोनेट, जैसे आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप करा दो बेटा, तो जैसे एग्जांपल आप देंगे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए आप कैल्शियम कार्बोनेट दिया, प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट अदर नेम संगमरमर मार्बल खड़िया इत्यादि के नामों से जाने जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ क्रिया करता है, ये क्रिया करा दिया जाए इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ गेट प्रोडक्ट्स क्या बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान देंगे हियर पोजीशन CA देखो ए बन गया, क्या बनेगा यहां CaCl2 प्लस H2O प्लस CO, इतने उत्पाद आपके बनते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ गेट प्रोडक्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट जल यानी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
किसके साथ क्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके धातु के कार्बन में। लेकिन ये भी ध्यान रहे प्यारे बच्चों, जिनका जो गैस बनता है अब क्या वास्तव में बंद हो गया, लेकिन ये वास्तव में आपके बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं, ये भी ध्यान देना है मेरे बच्चों। देखें आप यहाँ इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट करें आप, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, देखिए इसका नाम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ये नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और बाकी से आप जानते करते हो हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम देख लें, कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी बच्चों ये होगा। लेकिन आप तो रिएक्शन बना दिए, लेकिन आप देखिए चेक करो कि आप बैलेंस समीकरण है कि नहीं है। क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में सीएम संख्या दो, सीएम संख्या ए तो लगा देंगे आप, तो हो गया। अब 2H H2 Cl2 दो Cl हुआ, इधर देखिए आपका दो Cl, प्यारे बच्चों ध्यान दें। इसी प्रकार से ये तो आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ हुआ। फिर दूसरा हम रिएक्शन आपको बताते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ कैसे करेगा। जस्ट जो आप देखें कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कैसे करेगा उसके बारे में आप देखें, रिएक्शन नोट करें। नंबर आप सूत्र लिखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, प्यारे बच्चों CaH CO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट इसका नाम है, किसके साथ क्रिया कराएंगे आप ध्यान देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएगा देखें आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इतने उत्पाद बनेंगे आप ध्यान दें। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्रिया करता है HCl के साथ, क्या बनता है कैल्शियम क्लोराइड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं और जल बनते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, आप तो बना दिए लेकिन बैलेंस समीकरण को ध्यान दीजिएगा, बैलेंस करने के लिए आप 2HCl, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 2HCl और देखें फिर 2CO2 और फिर पुनः ध्यान दीजिएगा 2H2O। प्यारे बच्चों समीकरण को बैलेंस करना सबसे जरूरी होता है कि क्या क्या बैलेंस इसमें है क्या बैलेंस नहीं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड व कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ये ध्यान दीजिएगा राइट साइड में कितने ऑक्सीजन की संख्या आती है, तो दो टू टू जब हो दो दूनी चार और प्लस टू कितने आपके छह हो गए, तो दो दो चार और दो छह, इधर देखने संख्या आपकी 3 × 2 अर्थात ऑक्सीजन की संख्या 6। इनिए इसी तरह से समीकरण को आपको बैलेंस करने होते हैं। तो समीकरण बैलेंस करने के बारे में पिछली कक्षाओं में भी बताया जाता है कि किन किन विधियों के द्वारा समीकरण को बैलेंस किया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान है, ये तो अभी आप सेकेंड एग्जाम्पल्स के तहत बताया जा रहा है कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। प्यारे बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि इसके जो है तीसरे रासायनिक गुण क्या होते हैं, कि जब यानी कली चूना, जो कली चूना होता है अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अम्ल कैसे क्रिया करता है, यानी व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स
बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ गेट्स कैल्शियम क्लोराइड एंड अदर प्रोडक्ट्स यानी जल ये प्राप्त होते हैं। नाउ एट्स फॉर एग्जांपल्स देखें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया नोट करें प्यारे बच्चों थॉट देखेंगे आप रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन विथ कैल्शियम ऑक्साइड और कॉमन में भी कर सकते हो मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड किसी मेटल के साथ जोड़ दो ऑक्सीजन उसके ऑक्साइड बन जाए लेकिन क्या बनेंगे उत्पाद ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो कड़ी चुनाव करते हैं उसकी क्रिया जब हम दिखाते हैं HCl के साथ तो क्या बनता है कैल्शियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ध्यान दें प्यारे बच्चों कि जब यानी व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड हियर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स HCl HCl लेकिन ध्यान देंगे HCl कैल्शियम ऑक्साइड अदर नेम क्या हो जाएगा आपका कली चूना और ये हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स क्या करेगा आपका किस तो क्या बन जाएगा वहां कैल्शियम क्लोराइड ध्यान देंगे हियर CaCl2 प्लस H2O यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा CaCl2 प्लस H2O लेकिन आप बैलेंस देखेंगे क्या हो जाएगा बैलेंस तो आपका 2HCl हियर 2HCl यानी बच्चों ये तो आपके हो गए क्या पोजीशन में ये जब फोर्थ यानी अम्ल के रासायनिक गुण आपको बताया गया रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करता है कि व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ गेट्स कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O ये आपके प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताते हैं कि अम्ल के उपयोग क्या होते हैं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अम्ल के उपयोग क्या होते हैं यूजेज उपयोगिता क्या होती है अम्लों के तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि कैल्शियम अम्ल के उपयोग क्या होंगे फिर हम बताते हैं आपको चलते हैं नेक्स्ट डे बताते हैं कल बताएंगे फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए आप अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में जरूर अध्ययन कीजिए कि रासायनिक गुण क्या होते हैं या अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल है नहीं है किन किन विधियों से प्राप्त किए जाते हैं। थैंक यू नेक्स्ट डे।